परिवर्तन देखने को मिला राजस्थान हरियाणा में 31 जगहों पर एनआईए की रेड। गोगाबेड़ी हत्याकांड मामले में अपडेट आपको बताते चले, जहां पर एनआईए का बड़ा एक्शन। हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी, शूटर रोहित राठौर और नितिन के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, गोगाबेड़ी हत्याकांड से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बताते चले कि एनआईए का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल राजस्थान और हरियाणा में 31 जगहों पर एनआईए ने रेड मारी है। हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी लगातार अब जारी है। शूटर रोहित राठौर और नितिन के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। एनआईए के द्वारा 31 जगहों पर छापेमारी की जा रही है, ये बताने की अब साक्ष्य जुटाने की और कोशिश की जा रही है एनआईए के द्वारा, क्योंकि और भी इसमें लिंक जुड़े हुए हैं। पिछले भी कई सबूत मिले, उसके आधार पर ही अब पुलिस आगे की एनआईए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस खबर पर हमारे संवाददाता शंकर आनंद जुड़े हुए हैं। गोगाबेड़ी हत्याकांड पर एक बड़ा अपडेट है शंकर, एनआईए ने 31 जगहों पर छापेमारी की है, और क्या जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से इस मामले में केंद्र जांच एजेंसी एनआईए की अब इंटरव्यू हुई है, जांच एजेंसी के द्वारा आज तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से गोगाबेड़ी शूटर हत्याकांड का मामला आया था, इस मामले पर काफी चर्चाएं हुई थी, और सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्या के मामले में जिस तरह से अब जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा कुछ नए इनपुट्स इकट्ठा किया गया, उसके बाद इस मामले में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। गोगाबेड़ी हत्याकांड मामले में जिस तरह से रोहित राठौर का नाम सामने आया था, और रोहित राठौर के नाम सामने आने के बाद इस मामले में हत्या की जिम्मेवारी उसने स्वीकार किया गया था, और जिस तरह से गैंगस्टर रोहित गोदारा भी जो इस मामले में रायर पर आया था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आज तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा ये जानकारी मिली थी कि इस मामले में कनेक्शन जो है, कनेक्शन राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, राजधानी दिल्ली एनसीआर, वहां पर भी इसका नाम सामने आया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्या के मामले में शूटर नितिन फौजी, जो पहले से ही जिसका नाम सामने आया था, जयपुर में इसका जयपुर का रहने वाला है, तो राजस्थान, हरियाणा, इसके साथ ही कई अन्य दूसरे जगहों पर इसकी जो भूमिका निकल के सामने आई थी, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा शुरुआती तौर पर तफ्तीश की गई, और उसके बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर केस को दर्ज करने के बाद आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल शंकर, जिस तरह आपने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी की एंट्री हो गई है, लिंक कनेक्शन तलाशने की कोशिश की जा रही है, शूटरों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश भी किया गया, 7 दिन के रिमांड पर भी उनको लिया गया, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी जानकारी ये मैं आपसे चाहती हूँ जानना कि अब एनआईए किस एंगल पे जांच करेगा, क्या कनेक्शन, क्या अल्टीमेटम चाहता क्या एनआईए अब? देखिए, जांच एजेंसी एनआईए इस मामले में वो गैंगस्टर से जुड़े हुए तमाम जो तार हैं उसको खंगालना चाहती है, और वो जानती है कि इस मामले में सिर्फ गैंगस्टर का कनेक्शन नहीं है, इस मामले में जो छुपे हुए जो और भी हिडन एजेंडा है उसको तलाशना चाहती है, और इसलिए आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। रोहित सिंह राठौर को कौन बकायदा इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, और इस मामले में पहले से ही इस मामले में कहा जा रहा था कि रोहित सिंह राठौर और दूसरा जो आरोपी था उसे कोई और भी इस मामले में इंस्ट्रक्शन दे रहा था, और जिस तरह से राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के जो अध्यक्ष है सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी, तो इस मामले में हिडन एजेंडा और क्या क्या रहा है, और शुरुआती तौर पर 2 लोगों की अरेस्टिंग जरूर हुई है, लेकिन इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी बड़ा है, लिहाजा उस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश करने के लिए आज एनआईए की एंट्री हुई है, और एनआईए के द्वारा आज जो सर्च लोग इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में अभी बहुत सारे नए इनपुट्स निकल के आने बाकी हैं, और इस मामले में कई जो बाहर में रहने वाले जो आरोपी हैं उसका नाम भी इस मामले में सामने आ सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में कई गैंगस्टर की भूमिका जो है शंकर, क्योंकि इस ये जब घटना हुई थी 5 तारीख को, तो इसकी जिम्मेदारी खुद रोहित गोदारा ने ली थी, पब्लिक पोस्ट करके लिया था, हालांकि बाद में डिलीट भी किया। क्या एनआईए की छापेमारी ये बता सकते हैं कि रोहित गोदारा तक पहुंचने का एक बड़ा सोर्स तलाशने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर देखिये, रोहित सिंह राठौर जो शूटर रहा है इस मामले में, और इसके साथ ही कई अन्य जो आरोपियों की भूमिका है
वो निकल के सामने आ सकती है। और इस मामले में कहा जा सकता है कि अभी तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है। एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में शुरुआती दौर पे जरूर कहा जा रहा था कि उससे नाराज था, उसके उससे कुछ उसको उससे अनबन थी, और जिस तरह से कुछ इश्यूज ऐसे थे उसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस मामले में एनआईए के जो सूत्र हमारे बताते हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया है। और जिस तरह से इस मामले में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का के खिलाफ जो एक साजिश रची गई है और वो राजपूत करनी सेना का अध्यक्ष रहा है, इसके साथ ही जो उस इलाके में कुछ ऐसे इश्यूज है जिसको लेकर के जांच एजेंसी तलाशना चाहती है, और इसके पीछे क्या कोई एक बड़ी और शंकर एक लास्ट सवाल है मेरा, एनआईए की कितनी टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची है? देखिए टीम का ऐसे पता नहीं चलता है कि कितनी टीम है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जाती है टीम, अलग अलग उसे टास्क दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एक लोकेशन पे पहुंचा है और एक लोकेशन पे ही उसको सर्च करना है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से बड़ा अपडेट बता रहे थे।